चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। आओ चले प्रभु के मंदिर में, नतमस्तक हो उसके आसन में। वही पूज्य परमेश्वर है, गाएं उसके उपवन में। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। सत्य वही वही पावन है, वही जीवन है, वही मार्ग और सत्य वही। विकास है सारे जग का वो, ज्योति भर ले तन मन में। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। संचार करे हृदय में साकार करे, नवात्मा संचार करे हृदय में साकार करे। वही वचन जो ज्योति ज्योति अंकित कर ले अपने मन में। आओ चले आओ चले आओ चले आओ चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम सबों के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हम सबों से बेहद प्यार करने वाले पिता परमेश्वर का प्रेम और उसी प्रेम में हम सबों को बने रहने के लिए सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की सहायता और सहचर्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप सभी के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार प्रभु ने हम सबों को उसके पवित्र दरबार में बुलाया है कि हम सभी उस प्रभु का धन्यवाद करें, स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा विशेष आशीष मांगें, क्योंकि मिस्सा बलिदान एक ऐसा बलिदान है जो सभी बलिदानों से बढ़कर है, सर्वोत्तम प्रार्थना है। और मिस्सा बलिदान आध्यात्मिक जीवन का मूल है, स्रोत है, और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हम सबों को आध्यात्मिक बल, ताकत, सामर्थ्य मिलता है। इसलिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन में कलिसिया संत पौलुस मिकी और उनके साथियों की स्मृति मनाती है। संत पौलुस मिकी और उनके साथी नागासाकी में शहीद हुए, सूली पर मरते हुए, और वो एक ऐसी दर्दनाक मौत रही होगी जिसके बारे में पढ़कर हम लोगों के रूह कांपती है। जापान में ईसाई अनुयायी नहीं थे, संत फ्रांसिस जेवियर ने इसकी शुरुआत की और उसके बाद संत पौलुस मिकी और उनके साथियों ने उस विश्वास को ग्रहण किया, उस विश्वास के साथ जी रहे थे। और वहाँ पर जापान में इस
ईसाई जीवन को लोगों ने स्वागत नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। जापान में किसी प्रकार से ईसाई जीवन ना हो, यीशु का सुसमाचार का प्रचार ना हो, इस उद्देश्य से वहाँ के अधिकारियों ने संत पौलुस मिक्की और उनके साथ 25 और उनके साथियों को, जिसमें पुरोहित भी हैं, जिसमें वेदी सेवक भी हैं, जिसमें डॉक्टर भी हैं, जिसमें टीचर्स भी हैं, अलग अलग लोगों को और 25 लोगों को बांध के पकड़ के सूली पर चढ़ाते हुए दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार से कुल मिला के 26 लोग वहाँ पर शहीद हुए। 26 लोगों ने जो रक्त वहाँ पर जापान के उस धरती पर बहाया, जिसका नतीजा ये हुआ 300 साल के बाद वहाँ पर फिर एक बार वही ईसाई समुदाय लाखों की संख्या में उभर कर आया। प्रभु यीशु ने ये बात कही थी, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता है तब तक वह अकेला रहता है, यदि वह मिट्टी में गिरकर मरेगा, सड़ेगा, गलेगा, तो वह अंकुरित होगा और बहुत फल उत्पन्न करेगा। वही बात संत पौलुस में की और उनके साथियों ने अपने जीवन कुर्बान करते हुए जापान के अंदर ईसाई लोगों को बसाया, प्रभु यीशु का सुसमाचार को फैलाया और आज के दिन में लाखों की संख्या में लोग प्रभु यीशु को मानने वाले उस देश में हैं। इसलिए आज के दिन में कलीसिया संत पौलुस में की और उनके साथियों को याद करती है, उनके उस महान त्याग तपस्या के लिए सलाम करती है, उनके मध्यस्थ पर विश्वास करती है, प्रार्थना करती है। वही हिम्मत, साहस और धैर्य हम सबों को मिले कि हम सभी बड़े हिम्मत के साथ प्रभु का सुसमाचार ग्रहण करें, सुसमाचार को फैलाएं, प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार का कार्य करें। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमें बताता है, कोई नबी का अपने घर में, नगर में या कुटुंब में आदर सम्मान नहीं होता है, कोई बात नहीं, तब भी प्रभु वहाँ पर अपने लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, कुछ लोगों को चंगाई भी करते हैं। इस प्रकार से हमें अपना कार्य जारी रखना है, भले कोई आदर सम्मान करे ना करे, इज्जत करे ना करे, ये हमारा मिशन है कि हम प्रभु का संदेश को फैलाएं, सुसमाचार को एक दूसरे को सुनाएं। इसलिए आज के दिन में जब हम लोग इस मिसा बलिदान में शरीक होने के लिए यहाँ पर इस पवित्र मंदिर में आए हुए हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें हमें भी संत पौलुस मिक्की और उनके साथियों के भांति वह हिम्मत साहस प्रदान करें, जिससे कि हम भी उन लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुनाएं जिनको आज तक प्रभु का सुसमाचार प्राप्त ना हुआ हो। इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे गुनाह, गलती, अपराध और पापों के लिए प्रभु से क्षमा की याचना करें। वरे हम पर दया करो प्रभु, दया करो प्रभु, वरे हम पर दया करो प्रभु, दया करो। पाप हमारे, हम हैं पापी द्वार खड़े, दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, प्रभु वर हम पर दया करो प्रभु, दया करो। तुम नाथ हम
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करते हुए हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। संत पौलुस, मिकी और इनके साथियों ने क्रूस पर शहीद होकर अनंत जीवन प्राप्त किया है। ऐसी कृपा करके इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप हम अपने विश्वास में मृत्यु तक अटल बने रहें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 4-7, 11-15। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। अब तक आपको पाप के संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उनके फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मना है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वो इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहा है जिसे पिता दंड नहीं देता। जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है। किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता और शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं।
इसलिए ढीले हाथों तथा शीतले घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाए, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखे और पवित्रता की साधना करे। इसके बिना कोई ईश्वर की दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहे, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया ये विश्वास तेरा। तेरे वचन है जग में सुपावन, पाया ये विश्वास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। की खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए। वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम प्रभु
आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, यह सब इसे कहाँ से मिला या कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है यह क्या है? क्या यह वही बड़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, योसेफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वहाँ कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में फिर एक बार हम लोगों ने प्रभु का संदेश, प्रभु का वचन, सुसमाचार हम लोगों ने सुना है। और इस सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु अपने गृह नगरी नाजरेत गए और वहाँ पर नाजरेत के लोगों ने देखा प्रभु यीशु को यूसुफ के बेटे के रूप में, मरियम के बेटे के रूप में। और इस प्रकार से उस यीशु में ईश्वर को वह नहीं देख पाए, नहीं पहचान पाए। और इन्होंने इस बात पर टिप्पणी की, आखिर यह तो मरियम का बेटा है, यह तो बड़ाई है, ये हमारे बीच में रहता है, इसके भाई बहने रिश्तेदार हमारे बीच में रहते हैं, इसको यह ज्ञान कहाँ से मिला, ये कौन सा चमत्कार है, ये कौन सी शिक्षा है? इन सभी बातों को लेकर उन्होंने सवाल किया और उनके अविश्वास को देखकर प्रभु को आश्चर्य हुआ। इसलिए वहाँ पर अपने गृह नगरी में कोई अधिक चिन्ह चमत्कार नहीं कर सके, क्योंकि वहां पर विश्वास का अभाव था। इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। जो विश्वास करता है वही व्यक्ति ईश्वर के कृपा का पात्र बन सकता है। और नाजरेत में, प्रभु के गृह नगरी में लोगों ने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, जिसके वजह से वो प्रभु के कृपा के पात्र नहीं रहे। वहाँ पर कोई चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लोग मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यह बात हम सभी लोगों के जीवन में भी हो सकती है, हम सबों के जीवन में भी घटित हो सकती है। प्रभु यीशु के गृह नगरी नाजरत के लोगों ने क्या सोचा? हम इसके माता पिता को जानते हैं, मरियम को जानते हैं, यूसुफ को जानते हैं, बड़ाई का काम करता है वो, और उसका बेटा यीशु है, इसको हम जानते हैं, इसके रिश्तेदारों को जानते हैं, हम सब कुछ जानते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने आप को एक प्रकार से बंद कर रखा, जिस वजह से वो उस यीशु में ईश्वर को नहीं देख पाए, उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार नहीं हुआ। और इस प्रकार से करने से हम भी प्रभु का आदर सम्मान नहीं करते। इस प्रकार से हम अपने आप को ब्लॉक करके रखेंगे, हम क्लोज अप करेंगे अपने आप को, हम ओपन नहीं हैं प्रभु के वचन सुनने के लिए, वचन को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम खुले नहीं हैं, ओपन नहीं हैं, तैयार नहीं हैं। हम भी प्रभु का आदर नहीं करते हैं, प्रभु का सम्मान नहीं करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु के गृह नगरी नाजरेत के लोगों ने कहा, उनका आदर सम्मान नहीं किया, विश्वास नहीं किया, उन्होंने सोचा ये कौन है, ये तो बढ़ाई का बेटा, हम जानते हैं इसको, इसके माता पिता को जानते हैं, उसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ये हमारे बीच में पला है, ये ज्ञान उसको कहाँ से मिला?
लोगों ने अपने आप को बंद कर रखा, ब्लॉक कर रखा, इसलिए वहां पर वो कुछ भी देख नहीं पाए। आंखें होते हुए भी उस यीशु में ईश्वर को नहीं देख पाए, उसके संदेश को सुनते हुए भी वो बहरे हो गए और वहां पर कोई चमत्कार प्रभु नहीं कर पाया, क्योंकि वो तैयार नहीं थे किसी भी बात को ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए। उन्होंने अपने हृदय को कठोर बना रखा था, जिसके वजह से प्रभु को दुख हुआ। उनके हृदय की कठोरता देखकर प्रभु आश्चर्य हुए कि आखिर मेरे ही ग्रह नगरी में लोगों का हाल इस प्रकार का है। प्रभु को इस बात से आश्चर्य हुआ, प्रभु को दुख हुआ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप 10 सदियों से ईसाई हैं या 10 दिन से ईसाई हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप किस अंदाज से उस प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, किस विश्वास के साथ प्रभु के साथ आप जुड़े हुए हैं, आप कितना श्रद्धा और भक्ति आस्था के साथ प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए भाइयों बहनों, हम ये ना सोचें कि मैं 7 पीढ़ियों से या 8 पीढ़ियों से या 10 पीढ़ियों से ईसाई हूँ और इसलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। हम ये ना कहें, हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रभु का वचन जब जब हम सुनते हैं, हम इस अंदाज से सुने कि मैंने कभी नहीं सुना है, आज पहली बार सुना है। इस अंदाज से जब आप सुनोगे, प्रभु का वचन आपके अंदर प्रवेश करेगा, आपके अंदर जाके अगर किसी प्रकार का नकारात्मक आपके अंदर है, आपके मन में है, दिल में है, निकाल देगा, आपके अंदर सकारात्मक बातें भर देगा और सकारात्मक बातें आपके अंदर ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, आपके अंदर वो जीवन आ जाएगा, वो शक्ति आ जाएगी, वो सामर्थ्य आ जाएगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन हमारे अंदर कार्य करने लगेगा। इस प्रकार से प्रभु का वचन का आदर सम्मान करने से हम प्रभु यीशु का आदर सम्मान करते हैं। नाजरत के लोगों ने प्रभु यीशु का आदर सम्मान नहीं किया क्योंकि उनका उपदेश नहीं सुना, उनके उपदेश का आदर सम्मान नहीं किया। हम सभी प्रभु यीशु का वचन को सुने, पढ़ें, ग्रहण करें, अध्ययन करें और इस प्रकार से वचन के द्वारा प्रभु यीशु का मान सम्मान करें, प्रभु यीशु का इज्जत करें। इस प्रकार से जितना हम प्रभु यीशु का मान सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, उतनी आशीष कृपाएं हम सबों को मिलती रहेंगी। आज के दिन में हम लोग याद करते हैं संत पौलुस मिकी और उनके साथियों को, उनका विश्वास यीशु में कितना दृढ़ रहा होगा, कितना मजबूत रहा होगा, कितना अटल रहा होगा। कौन इंसान किसी के लिए मरने के लिए तैयार होता है? 26 लोग जब उनको बांधा गया और सूली पर चढ़ाया गया, मारा गया, दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया गया, वो हिम्मत नहीं हारे, पीछे नहीं हटे, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने विश्वास को कायम रखा। उस सूली पर भी उन्होंने अपने विश्वास प्रकट किया और मुख्य रूप से संत पौलुस मिकी मरते वक्त यह कहते हैं, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, इनके पाप का दोष इन पर ना आए। इस प्रकार से सुंदर उदाहरण समस्त दुनिया के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार से उन्होंने अपना विश्वास को प्रकट किया। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को बुलाता है, निमंत्रित करता है, हम भी अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें, दृढ़ करें, उनके वचनों में और प्रभु यीशु में हमारा विश्वास दृढ़ हो, मजबूत हो। विश्वास के द्वारा ही हम ईश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। इसलिए आज के दिन में विशेष रूप से हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम सबों को विश्वास का वरदान दें। विश्वास के बगैर कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता है। इसलिए विश्वास का वरदान हम मांगें, जिससे कि हम हर दुख में, सुख में, हमारा विश्वास में हम कायम रहें, मजबूत रहें। जब सब कुछ ठीक ठाक चलता हो हमारे जीवन में, हम विश्वास करते हैं। विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हमारे जीवन में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलता हो, हमारी परिस्थिति विपरीत हो जाती हो, अलग अलग प्रकार के अत्याचार, अलग अलग प्रकार से लोग बातें करने लगेंगे, अलग अलग प्रकार से लोग सताने लगेंगे, परेशान करने लगेंगे, बदनाम करने लगेंगे, तब जाके हमारे विश्वास की परीक्षा होगी। इसलिए भाइयों बहनों, हम इस बात से संतुष्ट ना रहें कि हम बहुत पुराने ईसाई हैं, इस बात से संतुष्ट ना रहें। हम ये देखें कि हमारा विश्वास कितना पुराना है, कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, कितना अटल है, इस बात को देखें। अगर मेरा विश्वास, अगर आपका विश्वास मजबूत है, हमारे विश्वास के फलस्वरूप बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को जान पाएंगे। जिस प्रकार से संत पौलुस मिकी और उनके साथी के विश्वास के वजह से आज के दिन में जापान में लाखों लोगों ने विश्वास पाया, प्रभु यीशु में विश्वास करने लगे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु हमें निमंत्रित करता है, बुलाता है, हमारा विश्वास इस हद तक मजबूत हो कि मेरे विश्वास के वजह से
प्रभु यीशु में मेरे और आपके विश्वास के वजह से बहुत सारे लोगों को प्रभु का परिचय मिले, प्रभु का अनुभव मिले, लोग प्रभु के पास आएं, प्रभु के उस विश्वास को ग्रहण करें। वही प्रभु हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आमीन। प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी, पावन तन जो तेरा बन तालाए वरोटी, तेरे स्पर्श से स्वामी बन जाए यह जीवन रोटी। मेले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। तेरे रंग में बदल देश को हम पाएंगे मोती, चरणों में है अर्पित प्रभु अंगूरी मधुवन की, तेरे रंग में बदल देश को हम पाएंगे मोती। ले ले प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। तेरे प्रभु जीवन अर्पण है तेरे नाम, जीवन के सुख दुख को अर्पित कर तुझे प्रणाम। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे परम पावन पिता, धन्य शहीदों के स्मरण में हम यह भेंट चढ़ा रहे हैं, इसे ग्रहण करें। अपने भक्तों को ऐसी कृपा दे कि हम तेरे नाम की साक्षी देने में निर्भय बने रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है।
पूज्य पिता यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि स्वनाम धन्य शहीद पॉल मिक्के और साथी ने प्रभु और क्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की साक्षी में रक्त बहाया है। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे ही चमत्कार से तू अपने प्रति साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इस कारण हम स्वर्गदूतों के साथ पृथ्वी पर निरंतर तेरे प्रताप का गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा आच्छादित है अग्नि अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। जो गाते हैं तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। मिस्सा बलिदान का सर्वोत्तम भाग है। इस वक्त हम सभी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हमारा मन आत्मा और शरीर प्रभु के हवाले कर दें। शरीर में जो भी पीड़ाएं परेशानियां हैं बीमारी हैं प्रभु के हाथों में दे दें। प्रभु हम सबों की पुकार को सुनने वाला ईश्वर है। भाइयों बहनों, इस वक्त आप इस टीवी के माध्यम से इसमें सबलिदान में भाग ले रहे हों, आप जहाँ कहीं भी हों उस जगह से इस वक्त अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु के हवाले कर दीजिए। अगर आप बीमार हैं, आपकी बीमारी प्रभु के हाथों में दीजिए। प्रभु से कहिए, मैं बीमार हूँ प्रभु, मैं अपनी बीमारी को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। अगर आप अपने घर परिवार में संघर्ष कर रहे हैं, आर्थिक तंगी है, परिवार में अनेक प्रकार के संकट हैं, अनेक प्रकार के परेशानियां हैं,
आप इस वक्त आप अपने घर परिवार की समस्याओं को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। अगर आपके बच्चे प्रभु के रास्ते में नहीं हैं, प्रभु के रास्ते से भटक रहे हैं, आप अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए। माता पिता स्वयं अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें ताकि बच्चों के सामने आपका जीवन आदर्शमय हो, सुंदर हो, बेहतर हो। अगर घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो अकेलापन का महसूस कर रहे हैं, वो पीड़ाओं में हैं, उनको और उनके स्वास्थ्य को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। एक दूसरे को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, परिवर्तन का समय है, आशीषों को बटोरने का समय है, रोटी और दाख रस प्रभु यीशु के शरीर और लहू में बदलने का समय है। इसलिए उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें जो सब कुछ नया करता है, सब कुछ नया बनाता है, उस पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। आइए हम सभी आंखों को बंद रखें। आप जहाँ कहीं भी हों, इस वक्त टीवी के माध्यम से इस मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हों, अपनी आंखों को बंद रखिए, हाथों को जोड़िए या फिर हाथों को खुला रखिए, विश्वास को जगाइए, विश्वास के आंखों से उस प्रभु को देखिए। प्रभु के सामने आप खड़े हैं, आपके सामने प्रभु खड़ा है। इस विश्वास के साथ, बड़े भक्ति से, विश्वास से आप प्रभु से प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो इस रोटी को, आओ तुम आत्मा बदलो दाख रस को, आओ तुम आत्मा बदलो दाख रस को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो हम सब को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, आओ तुम आत्मा बदलो संसार को, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत्र है, हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रेस मर गए
परम पिता यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया की दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्यकुवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। आमीन। हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी प्रकार के बुराइयों से, बुरे सोच से, विचारों से, बातों से, कार्यों से, संगतियों से, बुरे शक्ति के आक्रमण से, रोग, बीमारी, तनाव, चिंता, समस्या, दुर्घटना, आलस्यपन, घमंड और निराशा से हम सबों को सदाई बचा के रखिए, और इस जीवन में हम सबों को कृपा पूर्वक शांति प्रदान कीजिए। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और हर प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे प्रभु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति का अभिवादन करें जी। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फैलाता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फैलाता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप फैलाता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ईश्वर का मेमना जो समस्त मानव जाति के पापों के लिए सूली पर बलि बन गए, विश्वास की आंखों से इस प्रभु को देखिए। जिस विश्वास के चलते पॉल मिकी और उनके साथियों ने अपनी जान कुर्बान की,
हम भी वही विश्वास के साथ उस प्रभु को देखें। वह प्रभु हम सबों के लिए बलि बन गए, हमारी जगह पर वो सूली पर मरे, हमारी पापों की सजा उन्होंने भोगी और हम सबों को बचाया है। धन्य हम सभी जो उसके इस भोजन के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, प्राणों से प्यारे यीशु मेरे, तेरा ही है आसरा, तेरा ही है आसरा। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने क्रूस का रहस्य शहीदों में अद्भुत रूप से प्रकट किया है, ऐसी कृपा दे कि हम इस बलिदान से बल पाकर क्रिस्त के प्रति ईमानदार बने रहें और कलीसिया में सबों की मुक्ति के लिए कार्य भी कर सकें।
हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी।